हेलो हेलो। अच्छा, ये डॉक्टर साहब से बात हो रहा है? राजेंद्र जी से बात हो रही है क्या? हाँ जी, राजेंद्र बोल रहा हूँ। मेरा नाम आशीष है। हाँ जी, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। हाँ जी। तो ये सर ऐसा है कि मतलब मेरे को क्या है ना कि 2-3 महीने पहले वो किडनी में से मतलब यूरिन से प्रोटीन आने लगा था, तो मैंने बायोप्सी करवाया था। तो पहले मैंने क्या ना आयुर्वेदिक का थोड़ा मेडिसिन ले ली थी 1-2 साल तक, एलर्जी था तो मेरा। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी करके कुछ आया है, स्वेलिंग आ गई है। तो वो मैंने फिर आयुर्वेदिक ले रखा है, पुनर्नवा ये सब, तो उससे थोड़ा बेटर हो रहा है। और इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम है ये। इसमें क्या होता है बेसिकली कि थोड़ी स्वेलिंग आ गई थी पैरों में और ब्लड कोलेस्ट्रॉल और बीपी बढ़ता है इसमें। तो वो अब थोड़ा बेटर था, तो डॉक्टरों ने क्या किया, एलोपैथी में तो इसका कोई इलाज है ही नहीं, उन्होंने बीपी की मेडिसिन दे दी थी और वो कोलेस्ट्रॉल की स्टैटिन। पहली चीज तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि किसी भी बीमारी का किसी भी मेडिसिन में कोई इलाज है। अगर आप सोचते हैं कि आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, यूनानी में किसी में कोई इलाज है, तो वो गलत स्टेटमेंट है। अच्छा, तो ये मिसकंसेप्शन में मत रहिए कि इलाज होता है। और डॉक्टर साहब एक चीज और बोलना था मेरे को, क्यों तो इन्होंने क्या किया ना, बीपी की मेडिसिन और कोलेस्ट्रॉल स्टैटिन्स आता है ना वो दे दिया, तो मेरा बेटर थोड़ा उसके कारण, थोड़ा मैंने परहेज भी किया था खाना वाना ये सब, तो मेरा बेटर हो रहा था टेस्ट, मतलब थोड़ा कम हुआ प्रोटीन आना, 600 mg 1 ग्राम तक थोड़ा कम हुआ है। बट अभी 3 महीने से ले रहा हूँ मैं कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन। अभी ये 1 महीने पहले से ना, ऐसे तो डायबिटीज मेरा सब सही रहता है, अभी 3 महीने के बाद तेजी से बढ़ रहा है मेरा वजन भी, मतलब 3 वीक में या 1 महीने के अंदर 5 किलो कम हो गया, 65 था, अभी 59 हो गया है। और मैं घर में मैंने मीटर रखा है ग्लूकोज वाला, तो उसमें क्या है ना 151, आज मैंने कराया ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, वो पी के ग्लूकोज पी के, तो मतलब 2 घंटे बाद 141 आ गया। और फास्टिंग तो सही है लेकिन वो 141 है ग्लूकोज पीने के बाद 2 घंटे के बाद, तो अभी ये बढ़ रहा है मैं देख रहा हूँ। वैसे मेरा वो HbA1c तो 4 पहले 4 था, वो भी 4.2 हो गया है, तो बढ़ रहा है वो। तो इसमें क्या, मैंने आपका पढ़ा थोड़ा वो खाना Day 1 से Day 5 तक खाना के साथ पानी पीने वाला, तो उसके अलावा मतलब क्या डॉक्टर साहब, मतलब ये वेट लॉस का इसी का सिम्टम्स है क्या? मतलब अभी तो मेरा हाई रेंज में गया नहीं है शुगर। आपका आपकी एज कितनी है? मेरी 38। वेट और हाइट? हाइट है 5.8 और वेट तो पहले 67 के आसपास था, अभी हो गया है 59। आप पूरे दिन में कितना पानी पीते हैं? मैं अभी डॉक्टर ने बोला था 1.5 लीटर से ज्यादा पानी पीना नहीं है, 1.5-2 लीटर पीता हूँ। पहले कितना पीते थे आप? पहले तो दो, पहले भी 1-2 लीटर ही पीता था, ज्यादा नहीं पीता था, 1-1.5 लीटर। पर खाना खाने से 2 घंटे बाद ही पानी पीता हूँ मैं। हाँ जी, बट खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीता था मैं, 1-1.5 लीटर के आसपास, 1-1.5 लीटर से ज्यादा नहीं पूरे दिन के अंदर। हाँ, सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते थे आप? हाँ पीता था सुबह उठ के। कितना? वो मैंने स्टार्ट किया था, चाहता था 1 लीटर पीने का, बट 0.5 लीटर तक पी लेता था। ये कब शुरू किया था? ये मैंने जब मेरे को थोड़ा ये एलर्जी एलर्जी की प्रॉब्लम होने लगी ना, तो मैंने वो कॉपर वेसल में स्टार्ट किया, 2-3 साल से कर रहा हूँ। 2 साल से? 2-3 साल से कर रहे हैं? हाँ खाली। और ये आपको प्रॉब्लम कब हुई डायग्नोज? कौन सी? ये वाली तो दिसंबर में हुई अभी, तो एलर्जी की प्रॉब्लम मेरे को, लेकिन डॉक्टर साहब 3-4 साल पहले ना मतलब बॉडी वोडी में बड़ा प्रॉब्लम होने लगा, कभी एलर्जी हो और मैं एकदम दुबला होने लगा अपने आप, मतलब मेरा चेहरा वेरा पूरा सूख गया। ये मतलब मेरे को एलर्जी, ये सोरियोसिस हल्का हल्का पहले क्या हुआ ना, स्टार्टिंग में मेरे को जब हैदराबाद में था ना मैं 4-5 साल पहले हाथ में और मतलब पाल्मो प्लैंटेनिस बोलते हैं, मतलब पैर में जो तलवा होता है, पैर का तलवा और हाथ के तलवे में थोड़ा वो व्हाइट पपड़ी टाइप का आने लगा, तो मैं एलोपैथी डॉक्टर से मिला तो उसने क्रीम दे दिया, तो उसके बाद सांस खोलने लगी और उसके बाद मेरा पूरा वजन कम होने लगा, चेहरा भी सूख गया। तो फिर मैंने ऐसी आयुर्वेदिक खा के और पानी वानी पीना, योगा वोगा स्टार्ट किया, लेकिन पूरी तरह से मतलब कुछ ना कुछ होते रहता है, कभी वो हो गया, अभी फिर मैंने आयुर्वेदिक स्टार्ट कर दिया 1-2 साल तक, तो मेटल्स डॉक्टर बोलने की हो सकता है मेटल्स के कारण तुम्हारा किडनी में इन्फ्लेमेशन आ गया है, तो कोई मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी आया है, उसमें जो मेरा फिल्टर है ना उसमें इन्फ्लेमेशन है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप डॉक्टर्स की लैंग्वेज को रटना छोड़ दो। अच्छा ठीक है, जितनी भी चीजें बोलते हैं उसका कोई सर पैर नहीं होता, आप कोई भी एक्सप्लेनेशन लेते रहो उसका कोई सर पैर नहीं है, बिकॉज किसी भी एक्सप्लेनेशन का, किसी भी टर्मिनोलॉजी का आपके क्योर से कोई कनेक्शन नहीं है। कुछ तो ये दीज आर ओनली एडजेक्टिव्स, दीज हैव गॉट नो इम्पोर्टेंस एट ऑल। इम्पोर्टेंस तब होता है जब आप किसी चीज के नाम से किसी चीज का इलाज कर सके। इलाज दुनिया में किसी भी बीमारी का नहीं है, चाहे वो कॉमन कोल्ड से लेकर सर दर्द ले लो, कुछ भी ले लो, किसी चीज का कोई इलाज नहीं है।
ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला यह है कि इलाज नहीं होता किसी भी चीज का, मेडिसिन से नहीं होता। अच्छा, नंबर टू, आपका कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कुछ नहीं आया मेरा तो अभी तक, कुछ निकलता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कोई आ भी जाए तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है किसी भी चीज का। हाँ, अच्छा, द वे यू हैव बीन ट्रेन्ड टू लुक एट थिंग्स, कि आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो डायबिटीज हो गया, डायबिटीज का हो गया तो आप ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना शुरू करो, कोलेस्ट्रॉल भी 380 हो गया था। हाँ, ये सबका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि आपकी बॉडी में एनर्जी कितनी बन रही है। आप अगर 15 साल की एज में 4 रोटी खाते हैं और 50 साल की एज में 4 रोटी खाते हैं, तो 4 रोटी और उतना ही सब्जी, उतना ही ऑयल, उतना एवरीथिंग विल नॉट बी द सेम एनर्जी। मतलब वो आपकी, हम कैलोरी काउंट करते हैं, कभी भी वेट लॉस की, वेट गेन की बात होती है तो कैलोरीज पर बात आ जाती है। सही बात। और कैलोरी को हम डायरेक्टली इक्वेट करते हैं कि आप खा क्या रहे हो। आप जो मर्जी खाओ, आपकी बॉडी को जो चाहिए होता है वो लेती है, जो नहीं चाहिए होता नहीं लेती। आप अगर 10,000 कैलोरी खाओगे तो भी हो सकता है आपकी बॉडी सिर्फ 1500 कैलोरी ले। सही बात है। हाँ, तो ये सब कैलकुलेशन आर टोटली यूजलेस। तो आपका जितना भी साइंस है, टोटल साइंस का किसी का कोई मतलब नहीं है। शुरू से आखिर तक देख लो, आज तक कभी आपने कहीं पर वेट लॉस में पढ़ा कि आपका जो फूड इनटेक होता है और उससे जो एनर्जी बनता है वो सेम नहीं होता? क्या नहीं होता? जो आपका खाना होता है वो खाना पेट में जाने के बाद, आपके बॉडी में जाने के बाद में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट नहीं करता। एक यंग हेल्दी एथलेटिक आदमी है, वो 4 रोटी खाएगा तो मे बी वो 10 किलोमीटर भागेगा बड़े अच्छे तरीके से। आप 8 खा के भी नहीं भाग सकते। सही बात। आप मतलब 4 खा के मे बी 100 मीटर में अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है आप गिर जाओगे या आपको बहुत तेज सांस चढ़ जाएगा, तो ऑब्वियसली आपको उतना एनर्जी नहीं मिला। तो टू टॉक अबाउट कैलोरीज वगैरह इज कम्प्लीटली यूजलेस थिंग। तो आप अपना खाना कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, उसका आपके वेट लॉस पर या वेट गेन पर कोई भी रेलिवेंस नहीं है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आपके टेस्ट वगैरह, आपके टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा पर फिर भी आप परेशान हो? नहीं, अभी डॉक्टर साहब ये आया, मतलब अभी इसके किडनी वाला होने के बाद सब आने लगा ना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, डायबिटीज भी अब होने लगा। देखिए कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा आप मेडिसिन लेके कम करोगे उसका कोई फायदा नहीं है। मेरे को पता नहीं था ना, मैंने कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन 3 महीने से ले रहा हूँ। आप सारी मेडिसिन छोड़ दो। अच्छा ठीक है। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन आपने पढ़ा अभी? मैं आपको एक हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? नहीं पूरे से नहीं पूरा, थोड़ा सा पड़ा मैंने। आप एक गिलास पानी ले लो, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो, उसको टेस्ट करो। टेस्ट करने पर आपको नमक ज्यादा लग रहा है तो आपको नमक कम करना है, तो उसमें पानी और डाल देंगे तो नमक का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। अगर आपको नमक ज्यादा लग रहा है तो नेक्स्ट टाइम जब आप पानी और नमक का मिक्सचर बनाएंगे और अगर आपको उतना ही नमक डालना है जितना पहले डाला था तो आप पानी कम ले लोगे। पानी कम करने से नमक बढ़ जाता है, पानी ज्यादा करने से नमक कम हो जाता है। तो आप दुनिया में जो भी मेडिसिन सिस्टम फॉलो करो उसका काम क्या होता है, आपके ब्लड के अंदर जो मिनरल्स, जो एंजाइम्स, जो भी चीजें होती हैं, स्टेरॉइड्स होता है, कुछ भी होता है, आप उसी के क्वांटिटी को तो चेंज करने की कोशिश करते हैं ना। मेडिसिन में सॉल्ट्स होते हैं ना, सॉल्ट्स होते हैं, वो सॉल्ट आपके खाने के साथ पेट में जाते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हुए ब्लड में जाते हैं, 3-4 घंटे बाद असर होता है। नंबर टू, अब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उस बीमारियों के एनालिसिस के बेसिस पर एक अंदाजा लगाता है कि आपकी बॉडी में क्या चीज प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। पर वो एक बहुत यूजलेस एक एस्टीमेट होता है, गेस करते हैं। सही बात है, वो सही नहीं, उनसे कोई होता ही नहीं, मेरा तो इतने डॉक्टर के पास गया तो। अब उस गैस के बेसिस पर, उनके पास जो बुक्स उन्होंने पढ़ा होता है उसके बेसिस पर वो उसका इलाज कर देते हैं। हाँ, सही बात। अब अगर आपने मैथमेटिक्स में परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ा हुआ है, तो अगर आपके बॉडी के अंदर 50 वेरिएबल्स होते हैं तो उसमें जो परमुटेशन कम्बिनेशन बनते हैं वो इतना बड़ा नंबर होता है कि आने वाले 1,00,000 करोड़ साल के अंदर भी किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। बिकॉज यहाँ पर जो फार्मूला यूज किया जाता है इलाज करने के लिए, ड्रग्स बनाने के लिए, दैट इज परमुटेशन कम्बिनेशन। आपके जितने परमुटेशन होते हैं वो एक एक करके ट्राई करते रहते हैं, जो थोड़ा सा अब जब FDA हो या कोई भी हो,
जिसमें 5% का इम्प्रूवमेंट दिखाई देता है उसको यूज करना शुरू कर देते हैं, 5 साल बाद वो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं कि इससे ये साइड इफेक्ट है और ज्यादा सीरियस है वो। कोई मेडिसिन पहले होता था जब इतना कम्युनिकेशन इतना एडवांस नहीं था, कोई मेडिसिन आता था 20 साल के बाद बोलते थे जी इससे नुकसान हो रहा है इसको बंद कर दो, बंद कर दो। आजकल वही स्टैटिन का, आजकल जो एज हो गई है मेडिसिन की वो 4-5 साल हो गई है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज फास्टर, तो पीपल कैन गेट द रिजल्ट एंड पीपल कैन रिपोर्ट द रिजल्ट फास्टर। Faster, true, true. So everything, all the tests are useless. Now coming back to that salt and water thing. आपकी बॉडी में दो ऑर्गेन्स हैं, एक किडनी एक लीवर है, दोनों के वर्किंग का प्रिंसिपल सेम है, हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। अगर आप ज्यादा पानी पी लेंगे तो आपके बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर जितने भी मिनरल्स होंगे जो एक्सेस में होंगे वो सारे डाइल्यूट हो जाएंगे। अच्छा, और डाइल्यूट होने के बाद आपकी किडनी क्या काम करेगी कि जो चीज आपके रेंज से बाहर जा रहा है उसको, और जो मतलब एक पर्टिकुलर रेंज में है उसको, और एक्सेस की तरफ जा रहा है उसको बाहर निकाल दो। तो बेसिकली यूरिन बनाना होता है उसको पूरे मिक्सचर में से। तो वो पूरे मिक्सचर में से अब बेस्ट पॉसिबल तो होता नहीं है, क्योंकि हर मिनरल और हर चीज आपका अलग अलग प्रोपोर्शन में डिफरेंस हो रहा है। मान लीजिए आपका सोडियम इज 2 यूनिट, उस 2 यूनिट के लिए पोटेशियम मान लीजिए होना चाहिए 1, तो आपका सोडियम मान लो 3 हो गया और पोटेशियम हो गया 2। अब उनके जो प्रोपोर्शन है वो चेंज हो गए। अब आप तीसरा लेंगे वो किसी और प्रोपोर्शन में होगा। अब अगर आपको एक उसमें से एक फ्लूइड निकालना है, जो नमक और पानी का प्रिंसिपल था कि नमक ज्यादा है तो पानी और डाल दो, अगर उस प्रिंसिपल के हिसाब से किडनी को अब फ्लूइड को निकालना है कुछ, तो इट कैन नेवर अचीव अ परफेक्ट सॉल्यूशन। व्हाट इट ट्राइज इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, कि इतना निकाल लेंगे तो वो जो प्रोपोर्शन होंगे वो बेस्ट पॉसिबल, जो चीज पॉसिबल है उतना हो जाएगा। तो उसमें हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन का क्या रोल होता है कि आप एक दिन ज्यादा पानी पीजिए तो जितने मिनरल ज्यादा होंगे उसके हिसाब से वो कम हो जाएगा, दूसरे दिन पानी बंद कर दीजिए तो जितने मिनरल्स आपके कम होंगे वो बढ़ जाएंगे। तो आपका जो रीसेटिंग पॉइंट है, जो मिनरल्स को सेट करने का एक ऑप्टिमाइज करने का जो फॉर्मूला है वो रीसेट हो जाता है। ओके, सो आपकी बॉडी विल बी एबल टू डू अ बेटर जॉब। अब आपको बोला पानी कम कर दो, अभी आपको मे बी 1.5 लीटर बोला है, कल 1 लीटर बोल देंगे, फिर आधा लीटर बोल देंगे। अब आप कंटिन्यूअसली डिहाइड्रेशन मोड में जा रहे हो, आपका फ्लूइड कम होता जा रहा है, तो दे विल बी सम मिनरल्स जो आपकी बॉडी में इम्बेलेंस क्रिएट करते रहेंगे और जो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। सो विद इन द पर्टिकुलर रेंज, आपका मान लीजिए आपकी बॉडी के लिए आज की डेट में 1.5 इज इनफ, तो आप 500 एंड 1500 को के बीच में चलते रहो। 500 कितने के बीच में? 500 ml और 1500 ml। अच्छा, दोनों के बीच में, तो इसके बीच में चलते रहो, कभी 1500 लो कभी 500 लो, तो आपका रीसेटिंग जो होता है तो बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है आपकी बॉडी का, तो किडनी और लीवर बनाएंगे वो ठीक होता रहेगा। अच्छा, उसके अलावा आपकी बॉडी को ज्यादा पानी की जरूरत होती भी नहीं है। पानी के कमी के कुछ सिम्टम्स होते हैं, आपके बैक पेन होने लगता है, आपका शोल्डर पेन हो रहा है, कुछ बॉडी में आपको डिस्कम्फर्ट होने लगेगा, इंडाइजेशन होने लगेगा, तो इसका मतलब है आपका कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसी हुआ था, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा था स्टार्ट में। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और बैलेंस को खत्म करने का एक ही सोल्यूशन है, दैट इज हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन। ओके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेडिसिन यू कैन यूज 2 थिंग्स। एक आप चाय को यूज कर सकते हो इफेक्टिवली, और दूसरा आप नमक को यूज कर सकते हो। चाय में पीता ही नहीं, चाय पीने लगूंगा, चाय मैंने बंद कर दिया था। देयर इज एज आई एम सेइंग, दुनिया में कोई भी चीज अच्छी और बुरी नहीं है। आप 4 दिन चाय पियो 15 दिन छोड़ दो, तो आपको चाय का बेनिफिट मिल जाएगा और जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं वो नहीं होंगे। 4 दिन पी के छोड़ दो 15 दिन, हाँ 2-4 दिन, मतलब 1 हफ्ता पी के छोड़ दो, फिर महीने के बाद फिर पी लो 2-4 दिन के लिए, तो उससे क्या होगा, टी में एक बेनिफिट होता है कि टी इज एंटी ऑक्सीडेंट। तो ग्रीन टी पी या नॉर्मल टी? नॉर्मल टी पीजिए, क्योंकि नॉर्मल टी इज बेटर। ग्रीन टी तो इसलिए आया था कि लोगों ने बोला शुगर दिया, चाय की बुराइयां करनी शुगर दी। लोग 5-5, 6-6 कप चाय पीते हैं, उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। यू एक्सीड ए लिमिट देयर विल बी लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स। आप लिमिट के अंदर रहो उससे बेनिफिट मिल जाएगा। बेसिकली क्या है कि दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो 100% बेनिफिशियल हो। आपके हर चीज के साइड इफेक्ट्स हैं, हर चीज के बेनिफिट्स हैं,
तो आप बेनिफिट 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 लेते रहो, बाकी छोड़ते रहो। चीनी डाल के नहीं पियो ना उसमें, चीनी डाल के लो, क्या दिक्कत है? चीनी में क्या खराबी है? बढ़ेगा नहीं वैसे शुगर, क्यों बढ़ेगा? सी आपकी बॉडी, सी व्हाट इज डायबिटीज, इन डायबिटीज आपके ब्लड का शुगर बढ़ता है, ग्लूकोज बढ़ता है, और आपके सेल्स का ग्लूकोज कम हो जाता है। यू डू नॉट सर्वाइव ऑन ब्लड, आपका जो जिंदा रहने का सिस्टम होता है वो सेल्स में होता है। आपके सेल्स में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज पहुंचता है, तो पहुंचने के बाद उससे एनर्जी में कन्वर्ट कर होता है, वो एनर्जी आपकी आपको जिंदा रखती है। तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज सेलुलर लेवल पर आपका ग्लूकोज कितना है, ना कि ये चीज इम्पोर्टेंस रखती है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज कितना है। अच्छा, तो व्हाट द मेडिसिन सिस्टम इज डूइंग, कि आपका शुगर 10 पॉइंट बढ़ गया तो आप प्री डायबिटिक हो गए, शुगर छोड़ दो। आप शुगर एक ही यूज़ सर, ये टाइप वन टाइप टू का क्या है? मतलब मेरा जैसे वेट कम हो गया स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब टाइप वन है क्या कुछ? टाइप वन टाइप टू क्या मतलब इनका? आप बता ही रहे हो आपका शुगर कुछ भी नहीं आ रहा, 130-140 आ रहा है ना? नहीं बढ़ रहा है ना, पहले तो 120 ही रहता था, अब कितना तो मतलब मैंने देख रहा हूँ बड़ा जल्दी से बढ़ रहा है, अभी 150-170-171 भी हो जाता है, जो घर में मैं वो करता हूँ चेक करता हूँ, बाहर में थोड़ा कम है क्योंकि उनका मीटर से 10-20% कम रहता है ना, घर का तो मैंने देखा। देखिए आप एक बात को समझो, दीज नंबर्स हैव गॉट नो मीनिंग। अच्छा ठीक है, अभी मैंने एनर्जी की बात करी, एनर्जी बनती सेल्स में, अब आपके सेल में ग्लूकोज कम हो गया, अब आपको बॉडी को एनर्जी चाहिए पूरी। वाई आपको एनर्जी इसलिए चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी जितनी एनर्जी बनाती है उसका आपके एज के हिसाब से 60-80% इज यूज्ड बाय योर वाइटल ऑर्गन्स। आपका ब्रेन इज यूजिंग 25-30% एनर्जी, तो इसका मतलब है कि अगर आपकी बॉडी 2000 कैलोरी प्रोड्यूस कर पाती है दिन में, तो ऑलमोस्ट 1500 कैलोरीज इज यूज्ड बाय योर सिस्टम, इंटरनल सिस्टम। आप जो वॉक करते हैं, बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, इन सब में एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है, तो वो 400-500 कैलोरी पर डे होती है। ठीक है, एंड अगर आपका जो वाइटल ऑर्गेन्स है उसमें जो 1500 कैलोरी चाहिए, वो 1500 की जगह 1200 मिल रही है, तो बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, तो अगर आप इस समय शुगर को खाना बंद कर दोगे तो आपके वाइटल ऑर्गेन्स को एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी और वो धीरे धीरे डिटेरियरेट होता रहेगा। अच्छा, तो ब्लड शुगर का मेडिसिन के बारे में या शुगर को छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ब्लड में शुगर नहीं होगी तो सेल में नहीं जाएगी, क्योंकि ब्लड इज द ट्रांसपोर्टर ऑफ एवरी न्यूट्रिएंट टू द सेल्स। तो जब आप ब्लड में उसको खत्म कर दोगे तो आपके जो सेल्स हैं उसमें ग्लूकोज बनने के क्या क्या तरीके हैं? एक पहला तरीका है कि आपके ग्लूकोज ज्यादा डिलीवर हो जाए वहां पर, तो पर यूनिट ऑफ ब्लड में जब आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा तो पर यूनिट ऑफ ब्लड विल कैरी मोर ग्लूकोज इन द सेल्स, तो वो पर्पज सब हो जाएगा आपका। ओके, नंबर टू, इफ योर बॉडी इज एबल टू सेंड मोर फ्लूइड इन योर सेल्स, आपका ब्लड शुगर उतना ही रहता है, आपका जो सेल्स में ग्लूको फ्लूइड जाना होता है वो एक यूनिट जाने की जगह अगर 1.5 यूनिट जाएगा तो आपका ग्लूकोज भी तो 1.5 जाएगा, तो दैट इज ब्लड प्रेशर। अगर आपको ब्लड शुगर हो गया और आपने ब्लड शुगर की दवाई लेना शुरू कर दिया या कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया तो आपको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, बिकॉज आप बॉडी का जो एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है आप उससे उसको कन्फ्लिक्ट कर रहे हो। अगर आपने इन दोनों को कंट्रोल कर लिया मेडिसिन, आपने ब्लड शुगर की दवाई ले ली, ब्लड प्रेशर की दवाई ले ली, तो तीसरा काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल। ईच यूनिट ऑफ टाइम आपका हार्ट पंप कर रहा है, बीट कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ 60 इट विल स्टार्ट बीटिंग एट 70, तो इंस्टेड ऑफ डिलीवरिंग द न्यूट्रिएंट्स 60 टाइम्स इन ए मिनट इट विल स्टार्ट डिलीवरिंग 70 टाइम्स इन ए मिनट, तो अगेन मोर न्यूट्रिशन विल गो, तो आप उसकी दवाई लेना शुरू कर दोगे, तो अल्टीमेटली कर गया वो मेडिसिन लेकर आप, तभी मेरा बढ़ गया पहले से ये। तो आप जितना भी करोगे, ये नंबर्स आर आर्टिफिशियल नंबर्स, दीज हैव गॉट नो मीनिंग, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि कल क्या होगा आपके साथ। हाँ सही बात है, आपका शुगर कम कर दिया, यू आर हैप्पी, मेरा शुगर कंट्रोल हो गया, पर आपको मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा, और जब तक आप वो समझ आएगी आपको तब तक ब्लड प्रेशर हो जाएगा, जब तक वो समझ में आएगा आपको हार्ट की बीमारी हो जाएगी।
तो आप भागते रहोगे। बीपी की तो अभी भी है मेरी, वो दवा खा रहा हूँ, छोड़ दूंगा बीपी वाली दवा, छोड़। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाया है कि भाई इन चीजों की दवाई का कोई भी मतलब नहीं है। ऑल यू नीड टू फोकस इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द सेल्स शुड गो अप। उसके लिए क्या है कि जितने वाइटल ऑर्गेन्स को आपके एनर्जी मिलेगी उतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगी। अगर आपका लीवर को एनर्जी पूरी मिल जाएगी जितनी चाहिए, ऑप्टिमली काम करने के लिए जितना चाहिए उतना मिलेगी, यू विल बी फाइन। अच्छा, अगर आपके ब्रेन को जितना एनर्जी चाहिए वो मिलेगी तो यू विल बी फाइन। सो यू हैव टू नाउ एलोकेट मोर एनर्जी फॉर द वाइटल ऑर्गेन्स एंड लेस एनर्जी फॉर द फिजिकल मूवमेंट। आप अगर फिजिकल मूवमेंट 2 किलोमीटर की जगह आधा किलोमीटर भी करोगे स्टिल यू विल सर्वाइव। आपका कोई नुकसान नहीं होगा प्रोवाइडेड योर वाइटल ऑर्गेन्स आर वर्किंग बेटर। उसका बेटर वर्किंग का फॉर्मूला क्या है? 5 मिनट्स वॉक 5 मिनट्स रेस्ट। 5 मिनट चलो आपकी बॉडी एनर्जाइज होगी एंड योर बॉडी विल प्रोड्यूस सम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। एट द एंड ऑफ 5 मिनट्स नॉर्मल वॉकिंग जो होती है आपकी बॉडी हीटअप होगी, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। उस समय आप लेट जाओगे तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उस समय होगी आपकी बॉडी में दैट विल बी अवेलेबल फॉर योर वाइटल ऑर्गेन्स। तो आपके वाइटल ऑर्गेन्स थोड़ा बेटर परफॉर्म करने लगेंगे। तो इफ यू आर इन द लॉकडाउन नाउ तो आप हर 40 मिनट में 5 मिनट चलो 5 मिनट लेट जाओ और 30 मिनट अपना काम करो। अच्छा, तो इसका रीजन क्या है कि 5 मिनट्स वॉक करके 5 मिनट्स रेस्ट करके आपका मेटाबॉलिक रेट जो होता है वो 1 कैलोरी पर मिनट होता है। तो जब आप वॉक करते हैं तो उसमें 5 कैलोरीज पर मिनट होता है। तो आपके वाइटल ऑर्गेन्स जब आप वॉक कर रहे हैं तो दे विल बी पिकिंग मोर एनर्जी, लेट अस से 2 यूनिट्स। उसमें 3 चीजें होती है ना, जब आपने वॉक करना शुरू किया आपका हार्ट विल ड्रॉ मोर एनर्जी, योर ब्रेन विल ड्रॉ मोर एनर्जी। लेट अस से दैट इंस्टेड ऑफ 1 यूनिट 1 कैलोरी पर मिनट इट स्टार्ट्स टेकिंग 2 कैलोरीज पर मिनट। 3 कैलोरीज पर मिनट इज स्पेंट इन योर फिजिकल वर्क डन, फिजिक्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वेट इनटू डिस्टेंस एंड ऑल दैट। तो वो उस फॉर्मूले से 3 कैलोरी खर्च हो गया। अब आपने क्या किया कि आप 5 मिनट क्या बैठ गए लेट गए, तो आपका 3 कैलोरी का कंजम्पशन बंद हो गया। 2 कैलोरी स्टिल अवेलेबल फॉर सम मोर टाइम एंड इट विल स्टार्ट स्लोली कमिंग टू 1 कैलोरी। तो लेट अस से इन नेक्स्ट 1 मिनट इट कम्स टू 1.2। अब उसके बाद अपना 30 मिनट काम करते रहते हो तो वो धीरे धीरे 1.2 से 1 पर आता रहेगा एंड बिफोर इट रीचेस 1 यू अगेन डू वॉक एंड रेस्ट। सो द आइडिया इज कि आपका जो 1 कैलोरी पर मिनट था जो अब शायद रिड्यूस होकर 0.8 हो चुका है। अगर आपको बीमारी हो रही है तो इसका मतलब आपके वाइटल ऑर्गेन्स को जितना एनर्जी चाहिए वो नहीं मिल रहा। तो अब आपको क्या करना है कि आपको उसका जो 0.8 है उसको 0.5, 0.85, 0.9, 0.95 और 1 पर लेके जाना है। द डे यू आर एट 1 यू विल बी फाइन। अच्छा, तो अब आपको क्या करना है कि आपको सेल्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन है उसको ठीक करना है, प्रोपोर्शंस को, और उसको बढ़ाना है। तो उसके लिए आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन फॉलो कर सकते हैं। 5 दिन पी के पानी 200 ml या 300 ml खाने के साथ 3 टाइम, और फिर 2 दिन आपको वो करना है ना, 2 दिन कम करो कभी ज्यादा करो। मैं आपको व्हाट्सएप करके ना एक 31 डेज का शेड्यूल भेज देता हूँ। 30 डेज का 31 डेज का तो आप अगर याद नहीं भी रहते ना, मान लीजिए बीच में 2 दिन मिस कर दिया, आज आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो चुपचाप वहां से डेट उठाओ, वहां से शुरू हो जाओ। कहाँ से? मतलब जैसे आज 18 तारीख है तो डे 18 का जो फ्लूड है वहां से शुरू कर दो और फिर 18, 19, 20 4-5 दिन फॉलो कर लो उसको। अच्छा, और अगर आप डेली देख सकते हैं तो डेली देख लो उसको। अच्छा, तो 6-7 डेज में बेनिफिट इसका आने लगता है डॉक्टर साहब? 6-7 दिन 6-7 दिन में बेनिफिट इसका आने लगता है। कितने दिन में? 7 डेज में। तो आपको 24 घंटे में फर्क दिखाई देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इट वर्क द फास्टेस्ट। आप दुनिया की कोई मेडिसिन इसका मुकाबला नहीं कर सकती। जो लोग 10 साल से दवा ले रहे हैं वो 24 घंटे में ऑलमोस्ट, कई लोग तो बोलते हैं 100% ठीक हो गए, पर आई नो 100% ठीक नहीं होते। अच्छा, वो 60% होता है और वो थोड़े दिनों के बाद फिर वही 50-60 पर आ जाता है। उसके बाद का जो ग्रोथ होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, वो ग्रेजुअल होता है, 2-3 महीने में हो जाता है पूरा। बट आपको जिंदगी में कभी ना डॉक्टर की जरूरत है ना डायग्नोसिस की जरूरत है ना किसी। अभी स्टार्ट हो गया, क्या पता क्या हो गया बॉडी में। पहले तो मैं कभी खाता ही नहीं था दवा, लाइफ में नहीं खाया मैंने। अभी मैं खाना पड़ रहा है, घर वालों ने बोल के खाओ।
एक तो जो 30-40 मिनट में 5 मिनट के लिए वॉक करना है वो जहाँ पर भी ऑफिस हो घर हो कहीं भी कर सकते हैं। नहीं समझ रहे ये जैसे जो वॉक करने वाला बोल रहे हो मतलब 8 घंटे तो सोते हैं अपन भी 16 घंटे जो बच्चे 16 आवर्स में आप बोल रहे हो क्या हर घंटे में 5 मिनट 30-40 मिनट में कह लीजिए आप वो 40 मिनट में 5 मिनट वॉक करो और 5 मिनट रेस्ट करो। हाँ और जब आप लेट जाओ आगे का मतलब 40 मिनट के बाद 5 मिनट वॉक कर लिया फिर 5 मिनट रेस्ट कर लिया तो पर 30 मिनट जो मर्जी करो अपने काम ऑफिस का काम कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो आपका डेस्क जॉब होगा शायद तो आप काम कर सकते हैं अपना काम कर रहे हैं। हाँ तो फिर मतलब 40 मिनट तो मतलब काम तो हम टोटल कहो कि 55 मिनट करेंगे ना जैसे एक घंटे की अगर बात करूँ मैं तो 55 मिनट नहीं 5 मिनट रेस्ट हो गया 5 मिनट वॉक हो गया और वो 40 मिनट का साइकिल है ना तो आप उसका एवरेज बिठाएंगे तो समवेयर अराउंड 45 मिनट का आपका आउटपुट निकलेगा इन वन आवर। अच्छा 5 मिनट वॉक कर लिया 5 मिनट रेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर आधा घंटा फिर वेट कर लिया ना थोड़ा 40 मिनट सबसे क्या होगा कि आपको ब्रेन को मोर ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो आपके काम का आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा इंस्टेंट जो आप एक घंटे में आउटपुट निकालते हो ना वो आधे घंटे में निकल जाएगा आपका और 15 मिनट का आपका एक्सेस भी हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है मतलब एक घंटे में मतलब 5 मिनट वॉक और 5 मिनट रेस्ट यही करना है ना एक घंटे में 10 मिनट का काम करना है ऐसे करके 16 घंटे तक करना है जो भी है 12 घंटे बाद ठीक है। और दूसरा पानी का है पानी कम ज्यादा करना है फ्लूइड्स को पानी में सभी फ्लूइड्स आ जाते हैं चाय लेते हैं आप दूध लेते हैं फ्रूट्स लेते हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स सलाद कुछ भी चीज ज्यादा लेते हैं देयर इज नथिंग ऑन दिस अर्थ व्हिच इज हेल्दी चाहे आप फ्रूट्स बोले चाहे मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि फ्रूट्स आर वेरी गुड फ्रूट से डायबिटीज ठीक हो जाता है ये हो जाता है वो हो जाता है कुछ नहीं होता फ्रूट से आपकी बॉडी को हर चीज एक प्रोपोर्शन में चाहिए टोटल कैलोरीज इनटेक जो होता है उसका 50-60% यूनिट कार्बोहाइड्रेट ठीक है टोटल 900 से ज्यादा नहीं लेना है ना कितना 900 ml नहीं आप 1.5 लीटर तक जाओ आराम से अभी 200 ml दो तीन दिन लो फिर उसके बाद उसको इंक्रीज करके 1500 पर चले जाओ एक दिन के लिए 200 लेके 1500 तक चला जाऊँ। हाँ खाने के साथ पे लीजिए वो जो आप पहले खाने के साथ नहीं लेते थे वो बंद कर दीजिए खाने के साथ लेना शुरू कर दीजिए खाने के साथ इतनी बार खाता हूँ तो थोड़ा पानी पी लूँ सिप करके 200 ml और मतलब एक दिन में 1500 पहुँचा दूँ 1500 नहीं खाने के साथ 200 करके 600 हो जाएगा 600 हो गया। हाँ ठीक है तीन दिन तक आप इसको फॉलो करो। हाँ इसके अलावा पानी मत लो। हाँ ठीक है फिर उसके बाद फोर्थ डे में आप इसको इंक्रीज करके 1.5 कर लो 1.5 करेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी आवर यू विल टेक समथिंग तो इसको 10 में डिवाइड कर लो तो 150 ml और 200 ml एवरी 1.5 आवर्स ले लो। हाँ ठीक है तो वो आपका 1500 हो गया उसके बाद फिर दोबारा से आप इसी पर आ जाओ दोबारा से फिर दोबारा से 600 ml पर आ जाओ। अच्छा मतलब फिफ्थ डे अच्छा आपको ये 4-5 दिन के लिए करना है सिर्फ 4 दिन करने के बाद आपको मैं 31 दिन का शेड्यूल दूंगा आप फ्लूइड इनटेक उसके हिसाब से 5 दिन करके कॉल करता हूँ आपको 3 दिन तो ये कर लिया समझ गया मैं 600 4th डे बढ़ा लो 4th डे बढ़ा लो और 5th डे फिर से आ जाओ उसी पे 600 वाले पे अब 4 या 4 3-4 दिन बाद एक बार कॉल कर लेना और वॉक एंड रेस्ट को मत भूलना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे किसको वॉक एंड रेस्ट 5 मिनट वॉक एंड रेस्ट फिर से अभी जैसे अभी है एक घंटे में मैं मतलब 40 मिनट में कुछ काम कर रहा हूँ इधर। देखिए सबसे पहले अभी के लिए टू बिगिन विद 3-4 दिन का तो शेड्यूल हो गया आपके पास। हाँ ठीक है वॉक एंड रेस्ट में क्या करिए कि सुबह उठने के बाद में आप एक घंटा वॉक एंड रेस्ट करिए 5 मिनट चलेंगे 5 मिनट लेटेंगे फिर 5 मिनट चलेंगे 5 मिनट लेटेंगे। अच्छा और एक घंटा रात को सोने से पहले करें बिकॉज यू आर स्टिल नॉट यूज टू तो आपका 40 मिनट वाला टारगेट मिस होता रहेगा। अच्छा उसको भी करते रहिए हर घंटे में 5 मिनट और चल लीजिए उसके अलावा। अच्छा तो सुबह और शाम वाला तो परमानेंटली रख लीजिए। टोटल मेरा कितना कितना हो गया 5-5, 12 घंटे का करूँ मैं तो टोटल मेरे हो गए अराउंड 60 हो गए ना और 60 वैसे हो गए अगर एक घंटा सुबह करेंगे एक घंटा रात को करेंगे तो 2 घंटे में से 1 घंटा वॉक हो गया 1 घंटा रेस्ट हो गया तो 60 मिनट वॉक और 60 मिनट रेस्ट ठीक है और 12 बाकी के 12 घंटे में 5 मिनट के हिसाब से 60 मिनट वॉक और हो जाएगा टोटल पूरे दिन का वॉकिंग जो हो जाएगी 2 घंटे की हो जाएगी। 2 घंटे की वॉकिंग 2 घंटे 1 घंटे की हुई ना 1 घंटा तो सुबह और रात को वॉक एंड रेस्ट करेंगे 2 घंटा उसमें से आ गया। अच्छा उसमें जा गया और 1 घंटा जो दिन में 12 बारी करेंगे। हाँ ठीक ओके समझ गया तो ये मैं करता हूँ 3-4 दिन तक और फिर आप रोज शेड्यूल भेज देना मैं चेक भी कर लूंगा अपना जवाब। यही नंबर है ना व्हाट्सएप पर मेरा नंबर सही यही है ठीक है थैंक्स सर थैंक्स फॉर वेरी गुड इन्फॉर्मेशन थैंक यू।
हेलो भूल गया मैं, ये फोर्थ डे जो है उसमें टोटल जो फ्लूड है वो 1200 जो आप बोला वो खाना मिला के या कैसे भी करके 1200 करना है ना, 1200 फोर्थ डे में 1600, हाँ उसमें ये जो 600 खाना खाने के साथ पानी ले रहे हैं उसको मिलाकर है, हाँ मतलब दोनों 1500 जो पहुंचाना है वो टोटल टोटल खाना वाला मिला के ना, खाना वाला भी करूँ ना, हाँ तो मिला अच्छा सब मिला के ना, ठीक है ओके। एक्स्ट्रा और मतलब आप कहने का मतलब कि एक्स्ट्रा 800 और 900 एक्स्ट्रा लेना है उसमें उस दिन? जी 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 ओके ओके थैंक यू।